गाइस वेलकम टू माय चैनल अनिक्सिल ब्लॉग। और जैसा कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अभी मसूरी में ट्रैवल कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी अपने रूम में पैक हूं और बंद हूं। मतलब 21 दिन का जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 17 दिन निकल चुके हैं, तो अब ज़्यादा दिन कुछ बाकी नहीं है, 4 दिन बाकी है। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी और हमारी पूरी पुलिस फोर्स हो गई, तो सब उसमें लगे हुए हैं कि लॉकडाउन के बीच में लोग बाहर ना निकले, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। ये जो ट्रिप था हमने 2 महीने पहले किया था, मैंने और मेरे एक दोस्त ने, और जो कि फ़ोटो बहुत खिंचवाता है, खैर वो बात की बात है, लेकिन ट्रिप पर बहुत मज़ा आया था। तो जैसा कि मैं सेकेंड टाइम ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वाला आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा था, उसके आगे का एडिट करके मैं डालने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दें यार, अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर मेरे को फील होगा कि हाँ मेरे को करना चाहिए। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं लद्दाख में मोटो व्लॉगिंग करूँ, तो अगर थोड़े बहुत सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा लद्दाख में व्लॉगिंग करना। तो फाइनली अब मसूरी से चेकआउट कर रहे हैं, एक आध जगह और मसूरी में विजिट करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि हम वहाँ से मनाली निकल जाए। मनाली निकलेंगे, मनाली के चांसेस थोड़े कम हैं, शिमला के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तो छुट्टी काफ़ी है, तो अभी घर तो जाना नहीं है, तो देखते हैं। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए। खूबसूरत नज़ारे हैं यार, क्या खूबसूरत नज़ारे। लेकिन एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है, मेरा भाई संभाल के चलाने का इस पर। तो गाइस अभी अपन निकल चुके हैं मसूरी होटल से चेकआउट करके, और अभी हम जा रहे हैं माल रोड, यानी कि मसूरी के माल रोड जाएंगे हम। उसके बाद हो सकता है हम कैंट्री फॉल जाएँ, फिर वहाँ से हम निकलेंगे। ये दोनों जगह घूमने के बाद हम निकल लेंगे शिमला। हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके बाद हम शिमला के निकलिए निकल जाएंगे यहाँ से। बाइक को ले जाने के लिए 100 रुपये पेमेंट है। हाँ जी, नहीं पता आपको कौन जल्दी हाँ तो वही तो है, मालूम है ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलानी नहीं आती। वो अंकल पीछे हम हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ओ रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ मैं, अगर मारेगा टक्कर तो। अरे पंचर हो रहा है, इस टायर पंचर इसके पीछे मत लगा यार। भाई माल रोड पे तो मिला अपने को ट्रैफिक, तो अपने ने डिसाइड किया कि तो अपन अभी जा रहे हैं कैंप्टी फॉल, फिर कैंप्टी फॉल में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर अपन वहाँ से निकलेंगे शिमला के लिए। और ये भाई क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं ये मतलब पहाड़ों में ना एक ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए आपको 6 किलोमीटर राइड करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों के किनारे किनारे से रोड बने होते हैं ना, उसमें मज़ा भी आता है, टाइम भी जाता है। तो यार फाइनली अपन पहुंच चुके हैं कैंप्टी फॉल, और कैंप्टी फॉल में जो नहाने का मज़ा है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं नहीं नहाने वाला हूँ, और आशीष के आया है नहाने के लिए। हाँ भाई तोड़ा ताड़ यार मत करियो, जो तुम मेरी जिंदगी के साथ मत करियो। वो बैग का वो बैग टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। राइस राइड के लिए रेडी हो रहे हैं हम, और ये राइड के लिए हम प्रॉपर रेडी हो भी चुके हैं भाई। 1 2 3 बोल देना, ठीक है। ओके
आ गए और हम पहुंच गए सेंटर पॉइंट पे। वाह वाह भाई, कर रहा है साइड भाई, आंखें बंद कर लेती मैंने तो। आओ अब तो बोल सकते भाई, डर लग गया है तो भाई। सो गाइस फाइनली कैंपी फॉल में इतनी मस्ती करने के बाद अब अपन निकल चुके हैं शिमला के लिए। अगर आप अपने ने डिसाइड किया है कि रास्ते में कहीं हमें रुकना नहीं है, कहीं पे भी मस्ती करनी नहीं है, क्योंकि अगर अब हम कहीं रुकते हैं तो फिर हमें शिमला पहुंचने में रात के 12 या 1 बज जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है शाम के 3 बज चुके हैं। और अगर अभी से हम सिर्फ और सिर्फ राइड करते हैं शिमला के लिए तो हम कहीं जाके शिमला रात के 9 या 10 बजे पहुंच पाएंगे। Stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I... पानी है भाई पीने वाला? पानी तो नहीं है, पानी है। हाँ कार मची हुई है, झरने वाला जमीन से नहीं निकलता पानी, यहाँ निकलेगा जमीन से। यहाँ भैया जमीन से नहीं निकलता, जमीन से नहीं, झरने वाला पीते हो जमीन वाला पीते। मंसूरी में एक दिन गुजारने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं शिमला के लिए, और शिमला जाने में अभी हम लोगों को कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे, 8 घंटे लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ का रोड है पहाड़ों वगैरह में, हम लोगों को यहाँ पे चलाने की आदत है नहीं। हम लोगों को दिल्ली में फ्लैट रोडों पे ज़्यादा सर बाइक्स वगैरह राइड करने में मज़ा आता है, खूबसूरती है। ये देखो अपना तो आ रहा है भाई कढ़ाई चिकन, तो अपन लोग करेंगे खाना खाएंगे, क्योंकि अपन ने सुबह से सिर्फ कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। शाम के 5 बज चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया। साला हमारा लंच हो रहा है। Show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is... हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला, अब हनुमान जी का नाम लेके हम इस व्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट व्लॉग में जो हमने शिमला को एक्सप्लोर किया वो दिखाऊंगा। और हाँ यार, थोड़ा सा मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो आगे से आई मेक श्योर कि मैं आपको जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो रास्ते की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। जहाँ पे जा रहा हूँ उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो वहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाल के आप लोगों को दे सकूँ। और तो व्लॉगिंग चलती रहेगी, मोटो व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग चलती रहेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और